साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर होम साइंस का होने जा रहा है, जो कि आप लोगों का एग्जाम 30 सितंबर के दिन होगा। तो होम साइंस का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर का आ चुका प्यार बच्चों, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, जैसे कि सारा पेपर आपके एग्जाम में पीछे का मिला था। ठीक है, तो इसी वीडियो में मैं आपको ट्राई करूंगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बता देने का, एंड साथ में PDF इसका वैसे मैं डाउनलोड करने के लिए आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, विषय कोड आपका 319 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां से देखिएगा, सबसे पहले जो बोला इसमें 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव है, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का इसमें से जवाब देना होगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों एग्जाम में टाइम है, आप याद करके जाओ तो और भी बेहतर होगा। ठीक है, तो चलो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि आपका इसी मंथ फिर जो है ना आपका सेंटर पे एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा, तो सब में मैं हेल्प करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर प्रेस कर लेना। तो चलो यहां पर मैं आपको सबसे पहला नंबर प्रश्न बताता हूं। बोला गया जो ना प्रसूता के लिए जो ना प्रसवा के बाद कौन सा घंटा निर्णायक है। तो याद रखिएगा, ये आपका पहला घंटा होता है, ऑप्शन मरियर, आप लोग याद रखिएगा पहला नंबर प्रश्न का। दो नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान क्या जो ना रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो आप दो नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर होगा रक्तचाप, आप लोग नोट करेंगे दो नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, रक्तचाप भी हो सकता है, और जो ना नारी गति और श्वास गति तो ये सारा होना चाहिए वैसे, है ना। तो वैसे इसका ऑप्शन नंबर आप लोग जो है ए नंबर ही याद रखिएगा, ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे तो तीन नंबर बोला गया, सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है। तो ये 40 दिनों की होती है, तो आप लोग तीन का ऑप्शन नंबर ए को याद रखिए। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर तीन का उत्तर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर चार नंबर प्रश्न आपसे बोला गया कि प्रसूता को भोजन में क्या दिया जाना चाहिए। तो आप लोग चार नंबर का याद रखिएगा, और ये आपका एक तो खिचड़ी हो जाएगा, दूसरा दलिया हो जाएगा, साथ में दूध होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पाँच नंबर की, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। तो आप लोग पाँच नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा शैशवावस्था, पाँच का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही राइट होगा। प्रश्न नंबर छः बोला गया, प्रसूता के कमरे का जो है ना कमरे का यहाँ पर देख लीजिएगा स्थानपान कैसा होना चाहिए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बिल्कुल ही जो है छः नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका प्रसूता के अनुसार होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सात नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में भी आंसर बताने का प्रयास करिएगा। देखिए, सात नंबर कि शिशु का रोना किस बात का परिचायक है। तो देखो, सात का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नोट कर लेना, स्वस्थ होने पर ऑप्शन सी होगा। आठ नंबर की, जन्म देने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कैसा होना है। तो आप आठ का याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। नौ नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो यह आपसे बोला गया कि गर्भ में शिशु का पोषण कैसे होता है। तो नौ नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पोषण से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। दस नंबर प्रश्न बोला जा रहा है यहां पर देखिएगा, है ना, माँ के रक्त से गर्भ में, देखिए नौ नंबर क्वेश्चन है ना, नौ नंबर क्या बोला कि बताइएगा गर्भ में शिशु का पोषण कैसे होता है। पोषण से ही होता है, ऑक्सीजन से होता है और माँ के रक्त से होता है। तो इनमें से सभी, एक सेकंड में देख लेता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, ऑक्सीजन भी होगा, माँ का रक्त भी होगा, पोषण भी होगा, तो इनमें से सभी होगा, आप लोग डी नंबर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए दस नंबर है शिशु का जन्म, शिशु के जन्म के पश्चात मल मूत्र का त्याग कितने घंटे पहले होता है। तो देखो दस नंबर का ऑप्शन बी होगा, लगभग 4 से 5 घंटे पहले, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। ग्यारह नंबर की, कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत क्या है। तो देखिए कैल्शियम प्राप्ति का जो स्रोत होगा, ग्यारह का याद रखिएगा, एक आपका दूध से होगा, दही से होगा, पनीर से होगा, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी से। तो आप लोग डी नंबर को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर, तो ये आपसे बोला जा रहा है कि बताइए शिशु को स्थानपान कब नहीं कराना चाहिए। तो आप याद रखिएगा 12 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि आपका हो जाएगा संक्रमण रोग होने पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके लिए मातृ और शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है। तो 13 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन
नंबर ए नोट कर लीजिएगा, माँ एवं शिशु की ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 14 है कि आहार आयोजन महत्वपूर्ण है, तो देखिए आहार आयोजन महत्वपूर्ण हो जाता है देखिए किसके लिए, तो गर्भवती महिला के लिए, स्थानपान कराने वाले माताओं के लिए, बच्चों के लिए, तो इनमें से सभी होगा डी नंबर, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो 15 नंबर प्रश्न बोला गया, शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है, तो आप याद रखेंगे शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए सबसे अच्छा जो दूध होगा ना प्यार बच्चों, तो ये हो जाएगा गाय का दूध, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्यार बच्चों मैं कंटिन्यू आंसर बताते रहूँगा, उससे पहले आपको इसका आंसर डाउनलोड करने के लिए बताता हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। आपको गूगल में जाना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करना, अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के क्या करोगे सर्च कर लोगे। इसके बाद आप लोगों को ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो आपके सामने क्लास 12th का यहाँ पर सेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्लास 12th सेप्टेम्बर मंथली एग्जाम फर्स्ट में लिखा जो मिला है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जैसे इंटरफेस ओपन होगा आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर देख लीजिएगा आर्ट्स का साइंस का सेशन था, थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये आर्ट्स का सेशन, इसमें आपको होम साइंस लिखा हुआ मिलेगा, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक कर लेने के बाद ना आप नीचे आएंगे प्यार बच्चों, तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। सब्जेक्टिव का आंसर की जो है अभी जस्ट मैं वीडियो देखने के बाद जाऊंगा ना मैं डाल दूंगा, आप अपडेट कर दूंगा, जाकर के देख लेना, ठीक है। वीडियो देखने के बाद जस्ट मैं डाल दूंगा, आकर के पेज को आप रिफ्रेश वगैरह इसे करोगे तो वो आपको दिख जाएगा, तो आकर के डाउनलोड कर लीजिए। 15 नंबर के बाद आप लोग 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो ये आपसे बोला जा रहा है कि बताइए अपरिपक्व शिशु के हुए कहलाते हैं जिनका वजन डैश डैश से कम होता है, तो याद रखिएगा 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नोट कर लीजिएगा 3 किलोग्राम, 16 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। 17 है कि बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, तो 17 नंबर का बी नंबर करेक्ट होगा। 18 है शिशु की श्वास क्रिया क्या जो है ना क्या कहला सकती है, यानी कि देख लीजिएगा व्हाट हेल्प्स एंड बेबी ब्लेस्टिंग, तो यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर बच्चा रो रहा है तो स्वस्थ होता है यही होगा। 19 नंबर की जन्म के समय पूर्ण जो है ना पूर्ण अवधि के शिशु का औसत भार क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा लगभग 3 किलो से 3.5 किलो तक होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट होगा 19 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 21 नंबर को बोला जा रहा है गर्भ में शिशु का कौन सा अंग कार्यशील होता है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 21 है कि शिशु के लिए नींद कैसा लक्षण है, तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर नोट कर लीजिएगा, ये आपका उत्तम लक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ना, तो 22 नंबर बोला जा रहा है गर्भनाल को काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो 22 नंबर का ऑप्शन सी होगा ब्लेड का, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। 23 है कि नवजात शिशु के वस्त्र होने मतलब वस्त्र जो ना होना चाहिए, तो देखिएगा 23 नंबर का राइट आंसर बी होगा, पहनने और उतारने में आसान होना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग क्या करेंगे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, नवजात शिशु के वस्त्र होना चाहिए, मैंने बता दिया ऑप्शन बी होगा। 24 है कि नवजात शिशु का जन्म के समय नवजात शिशु जन्म के समय कैसा होता है, तो देखो आप 24 का याद रखना यह होता है असहाय और अबोध, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट होगा। 25 नंबर प्रश्न बोला गया कि शिशु के संपूर्ण शरीर को जो है ना किस तरह का तेल से मालिश करना चाहिए, तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन सी होगा, 25 का सी होगा, यानी कि आपका जो है बादाम का तेल, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 26 है कि ग्रामीण में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था कहाँ होती है, तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वास्थ्य केंद्र पर, ऑप्शन नंबर 26 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 के बाद आपका हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न बोला गया, प्रसव क्रिया में लापरवाही और अज्ञानता और जो ना सुप्रबंधन से गंभीर हानि हो सकती, तो देखो 27 का ना ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये आपका प्रभुता जो ना प्रसूता और जन्म लेने वाले शिशु को, तो ऑप्शन होगा C,
सी नंबर इनमें से दोनों, ये भी दोनों होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की स्त्री जीवन की सर्वाधिक दृष्ट जो ना दृष्टाई अवधि कौन सी है, तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा ना दुखदाई अस्थि, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर आपका ना बी हो जाएगा, नोट कर लो पार्श्व आकाशम है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है, प्रश्न बोला गया कि बताएगा अपरा क्या है, तो अपरा जो है ना प्यारे बच्चों ये आपका हो जाता है वह ना इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी याद रखिएगा। तो जैसे कि प्रस्वा कक्ष में तीसरे तस्वीरें लगाने चाहिए किस प्रकार की, तो याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका दृष्ट पुष्टि शिशुओं का, ऑप्शन डी होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर बता दिया प्यारे बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं जिसमें आप लोगों को जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, वैसे डाउनलोड जहाँ से करने बताएं वहीं पर सबसे पहले आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पेपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं, जस्ट आएगा वीडियो सब्सक्राइब करके तैयार रहो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।